हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का जो UPSC SSC का ऑफिशियल सिलेबस आया है, अभी मैंने उसको अपलोड किया था। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, उसमें डिटेल में मैंने सिलेबस को समझाया हुआ है कि क्या चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम में आनी है और उससे रिलेटेड अंदर भी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर हमको पढ़ना है। अच्छे से उसको जो समझ लीजिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हम जब प्रिपरेशन करेंगे अपनी तो सारे पॉइंट्स हमें क्लियर रहेंगे। तो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, देख लीजिएगा। अब जो आपकी आगे वीडियोस आएंगी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगी। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में, जो इसमें आप तीन पार्ट में क्योंकि दे रखा है ये सिलेबस आपका, उसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे जो कॉमर्स रिलेटेड पोर्शन है, जो अकाउंटिंग है या फिर ऑडिटिंग है, जो भी पोर्शन हैं आपकी चीज़ें वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो ऑडिटिंग से रिलेटेड आता है, या फिर जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अंतिम खाता, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने सिलेबस लगा दिया है साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो हो जाएगा अशोदेव संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद कैसे इसका प्रावधान किया जाता है, प्रोविजन कैसे किया जाता है, उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ MCQs भी हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमें रिकॉल भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिविजन भी हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लिया करिए, और फौरन लाइक भी कर दीजिए, लाइक बिल्कुल फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं आएगी इस पर, तो लाइक जरूर किया करिए। आई वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने के लिए कि जो अशोध या फिर संदिग्ध ऋण क्या होता है, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्या है। डेब्ट तो आपको क्लियर होगा, ऋण क्या रहता है, जो भी आपकी उधार बिक्री की जाती है, सेल जो भी हम कर रहे होते हैं, तो एक तो कैश सेल होती है, दूसरी क्रेडिट सेल होती है। तो जब भी हमारी क्रेडिट सेल रहती है कि जो भी हम उधार पे चीज़ें दे रहे होते हैं, वैसे आज के टाइम में तो क्रेडिट पे नहीं, छोटी मोटी शॉप्स पर तो क्रेडिट पे नहीं दिया जाता, लेकिन जो बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पर क्रेडिट पे काफ़ी काम चलता है। तो जो क्रेडिट पे हम दे रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उस राशि को वसूलना, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आती है कि वो राशि या वो अमाउंट आपको नहीं मिलता, या फिर बाद में मिलता है, या फिर डाउटफुल रहता है कि मिले या ना मिले, तो उसी से रिलेटेड हमारा बनता है, वो हमारा ऋण एक तरह तो हो जाता है जो डेटर्स में आपका डेब्ट में जाता है। और साथ ही उससे रिलेटेड अगर हमको ये रहता है कि नहीं मिलेगा, कोई आपको होप नहीं रहती है उसके मिलने की, तो वो आपका बैड डेब्ट बन जाता है। और अगर मिलने की संभावना होती है कि मिल भी सकता है नहीं भी, यानी कि अनसर्टेन है, अनिश्चित है, आपको कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, तो वो आपका क्या हो जाता है, डाउटफुल डेब्ट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको डिफिनेशन के तौर पर दे भी दिया है, तो नोट करना चाहिए, नोट भी कर लीजिए कि बैड डेब्ट रिफर्स टू द सम ड्यू फ्रॉम द डेटर्स विच रिमेन्स अनरियलाइज्ड एंड सो दे आर रिटन ऑफ इन द कंपनीज बुक ऑफ अकाउंट। क्योंकि यहाँ में ये रहता है कि मिलने की बिल्कुल भी एक होप नहीं होती है, इसलिए उसको जो हम अकाउंट्स बनाते हैं अपने कंपनी के, उससे हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं, अपलिखित कर देते हैं, वो हो जाता है आपका बैड डेब्ट। अब इसी में दूसरा पॉइंट जो बनता है आपका कि जो डाउटफुल डेब्ट होता है, जो संदिग्ध ऋण होता है, उसमें क्या रहेगा कि एज अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट रिफर टू द डेब्ट विद विच देयर इज एन अनसर्टेनिटी एज टू द डिग्री टू विच अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। कि यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता है कि रिकवर होगा भी हमारा अमाउंट, हमको जो है रिसीव होगा नहीं होगा, या कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा, तो वो हो जाता है हमारा डाउटफुल डेब्ट यानी कि संदिग्ध ऋण। तो अब इसी में ये आता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कंपनी में, क्योंकि आपको मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ाए हुए हैं, तो उसकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आपको देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनी है जिसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं। ये आपकी नई सीरीज रहेगी जो आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग रहेगी पॉइंट वाइज। अब इसमें क्या रहेगा कि जो आगे कह रहा है कि प्रावधान करने की जब बात आती है, तो जो वहाँ पर मैंने आप लोग को समझाया था कि जो अवधारणाएं थी, जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी में एक अवधारणा रहती है आपकी कन्वर्टिज्म की अवधारणा, जिसमें ये रहता है रूढ़िवादी। इसमें ये कहा जाता है कि आपके जो प्रॉफिट हो रहे हैं भले ही आप उसको छोड़ दें, लेकिन आप जो भी हमारे पास आगे हानियाँ हो सकती हैं, जो भी लॉसेस हो सकते हैं, उसके लिए हम प्रोविजन कर लें। इसमें ये रहेगा कि अगर आपके पास इतना सेविंग्स में रहेगा, या आपने इतना अमाउंट सेव करके रखा है, एक संचय या प्रोविजन करके रखा है, तो आपके फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो आप आसानी से रिकवर कर जाएंगे उससे। इसलिए तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि लाभ की आशा ना करिए, लेकिन हानियों के लिए प्रावधान करिए। तो ये भी क्या है, एक तरह का लॉस ही तो होगा, अगर हमको कोई अमाउंट रिसीव होना था नहीं हुआ, या फिर डाउट में है, तो वो भी हमारे लिए एक तरह की हानि है, लॉस है।
इसलिए उसका हमें प्रावधान करना चाहिए, प्रोविजन करना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि क्या होता है बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट। आइए चलते हैं अब इसमें हम क्वेश्चंस की तरफ, और उसी में हम देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रोविजन किया जाता है, या जो अमाउंट हमने प्रोविजन किया होगा उसे हम कहाँ पर शो करेंगे, या अगर बैड डेट है रिकवर नहीं हुआ है तो उसे हम कहाँ पर दिखाएंगे, या फिर अगर रिकवर हो जाता है तो उस अमाउंट को हम कहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि तो क्वेश्चन जो आपके बनेंगे इसी से रिलेटेड ही बनेंगे। और एक इसमें न्यूमेरिकल भी मैंने इंक्लूड किया है, जिससे कि अगर न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता हो कि बैड डेट में न्यूमेरिकल जो आपके साथ में दे रखे होंगे, रिकवर हो गया है या इतना प्रोविजन कर लिया है, तो उसे किस तरह से आपको निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऐसी राशि को डैश माना जाता है। इफ अ पर्सन फेल्स टू पे हिज डेट, सच एन अमाउंट इज कंसीडर्ड एज डैश। बैड डेट रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, नन ऑफ दैट। बहुत सिंपल साइज का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अपने डेब्ट को नहीं रीपे कर पा रहा है, नहीं चुका पा रहा है, तो उसे हम क्या मानेंगे, वो हो जाता है हमारा बैड डेब्ट यानी कि अशोधित ऋण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज मेड बाय क्रिएटिंग डैश। अशोध ऋणों के लिए प्रावधान डैश क्रिएट करके किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्रावधान कर रहे होते हैं, प्रोविजन कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक एंट्री की जाती है, तो एंट्री में ही आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज क्रेडिट की जाती है और कौन सा अकाउंट हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री इससे रिलेटेड की जाएगी, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और हमारा क्रेडिट में क्या जाएगा, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, यानी कि जो एंट्री आपकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट क्रेडिट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिट कहाँ किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर डेबिट को क्वेश्चन पूछता तो डेबिट कहाँ किया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता। तो ध्यान में रखिएगा इसमें मेनली जो की जाती है वो तीन तरह की एंट्रीज होती है। पहली एंट्री, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहली एंट्री रहती है कि जब आपका जो बैड डेब्ट अकाउंट है, क्योंकि हमें रिटर्न ऑफ करना है, उसके लिए बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट होगा और डेटर्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि इस पर हम प्रोविजन कर रहे हैं, जो बैड डेब्ट का था क्योंकि हमें नहीं मिलना है तो उसको हमें बुक से अपने रिटर्न ऑफ कर देना था, आपने अभी पढ़ा था इसके बारे में। अब हम इसके लिए जो हमें मिल सकता है प्रोविजन कर रहे हैं, तो प्रोविजन करने के लिए प्रावधान जो हम करेंगे, तो एंट्री जो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड एंट्री जो होती है, डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट, यहाँ पर क्या किया जाता है, बींग ट्रांसफर ऑफ बैड डेब्ट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। हम जो बैड डेब्ट है उसको ट्रांसफर किसमें कर देते हैं, जो हमने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट के लिए अकाउंट बनाया था उसमें। तो ये एंट्रीज आपकी की जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि जो प्रोविजन हम कर रहे होते हैं तब कौन सी एंट्री की जाती है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, वो हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोध ऋण को दिखाया जाता है, बैड डेब्ट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जो आपका बैड डेब्ट होता है उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं। तो बैड डेब्ट क्योंकि आपका क्या है, एक तरह का लॉस ही तो है, क्योंकि आपको जो अमाउंट मिलना था वो नहीं मिला, तो जब भी हम जो लॉस होते हैं या जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको कहाँ लेके जाते हैं, उसको हम लेकर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो हमारे लॉसेज होते हैं वो सब किस साइड में दिखाए जाते हैं, लॉसेज या फिर एक्सपेंसेस, दोनों चीजें, वो कहाँ दिखाए जाते हैं, डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। तो कहाँ लेकर जाएंगे हम बैड डेब्ट को, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोध ऋण का कारण है, कॉज ऑफ बैड डेब्ट, बैंकरप्टसी ऑफ कस्टमर्स, इसको आप इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर्स भी बोल सकते हैं, अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अब बैड डेट होता है उसका क्या रीजन होता है या क्या कॉज होते हैं। तो बैड डेट किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी कंपनी में कब बनता है, जब बनता है जब या तो जो कस्टमर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकक्रप्ट हो गया है, वो आपकी जो भी डेट था उसको अपना चुका नहीं पाया है, पे नहीं कर पाया है, या फिर तब बनता है जब जो ग्राहक होता है उसको जो राशि देनी थी उसने नहीं चुकाई है। तो उसके भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि उसको उस वर्ष प्रॉफिट ना हुआ हो, लॉस हो गया हो, या उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो उसकी एसेट थी वो नष्ट हो गई हो, रिड हो गई हो, जिस वजह से वो नहीं दे पाया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। यहाँ पर तो ये दोनों ही कारण हो जाएंगे,
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अशोध ऋण को चिट्ठी में दिखाया जाता है बैड डेब्ट आर शोन इन द बैलेंस शीट बाय एडिंग टू द डेटर्स अमाउंट लेस फ्रॉम डेटर्स मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर नन ऑफ यू। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो बैड डेब्ट था उसे हम कहाँ लेकर जाते थे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके डेबिट साइड में। अंत में जब एंड में हम जो अकाउंट अपने बैलेंस शीट, क्योंकि आपको पता ही होगा लास्ट में बनाई जाती है, तो बैलेंस शीट जब हम बना रहे होते हैं तब हम अशोध ऋण को कहाँ पर दिखाते हैं, तो जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसमें जो आपके डेटर्स होते हैं उसमें से घटा करके दिखाया जाता है, उसमें से अमाउंट को लेस कर दिया जाता है जितना हमारा बैड डेब्ट बन रहा होता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोध ऋणों की वसूली पर किस खाते को डेबिट किया जाता है, विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, नन ऑफ दी। क्वेश्चन में जो कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने समझा था कि बैड डेब्ट हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर कह रहा है कि रिकवरी हुई है, यानी कि जो बैड डेब्ट पहले हमें ये था कि हमें रिकवर नहीं होगा, कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अब अगर हमारी उसकी रिकवरी हो चुकी है और हमने अपने बुक्स में उसको पहले अपलिखित कर दिया था, रिटर्न ऑफ कर दिया था, अब उसकी रिकवरी हुई है, तो जब अगर ऐसा आके बैड डेब्ट की रिकवरी होती है तब वहाँ पर जो हमारा एंट्री की जाती है वो क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट होता है टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होती है, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो एंट्रीज होती हैं। यहाँ पर आपसे जो पूछा है ट्रांसफर नहीं पूछा, ये पूछा है रिकवर हुआ, जो सिर्फ रिकवर होता है तो यहाँ पर कैश अकाउंट या फिर ध्यान दीजिएगा बैंक अकाउंट भी लिखा हो सकता है, दोनों ही करेक्ट होंगे, तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट कर दिया जाता है। अगर क्रेडिट को पूछता तो क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन डेबिट पूछा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोध ऋण की प्राप्त राशि को किसने हस्तांतरित किया जाता है, बैड डेट रिकवरी अमाउंट ट्रांसफर्ड इन। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया आपका कि कहाँ पर हस्तांतरित करते हैं, कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेटर अकाउंट में, नन ऑफ दी। तो इसे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहां पर ट्रांसफर करते हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों पर कटौती की राशि कहाँ दिखाया जाता है, वेयर इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स शोन, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय सबट्रैक्टिंग फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डेटर्स इन द बैलेंस शीट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देनदारों पर कटौती की राशि की बात हो रही है, तो यहाँ पर देनदारों पर कटौती का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे डेटर्स होते हैं वो अमाउंट को नहीं चुका पाते हैं उस वर्ष में, तो अगले वर्ष में उनको कुछ कटौती दे दी जाती है, कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस डिस्काउंट को हम कहाँ पर शो करते हैं, तो उसे हम लाभानी खाते यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी दिखाते हैं, क्योंकि ये एक आपका एक्सपेंस है, एक आपका लॉस है, और साथ ही जो हमारा डेटर्स हैं जो हम अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसमें से भी हम लेस कर देते हैं, दोनों में से ही दिखाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों पर की गई कटौती के लिए प्रावधान है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज डैश, क्या है कि जो हम कटौती के लिए प्रावधान कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर कटौती दे रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ प्रोविजन पहले से करना होता है, तो वो प्रोविजन क्या है आपका, वो एक तरह का लॉस होता है, हानि होती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2019 को कुल देनदार, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है आपका, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन आता है आपका, देनदार ₹25,000 है तथा अप्राप्य ऋण ₹1,000 है, तो यदि देनदारों पर छूट की दर 2% तथा अप्राप्य ऋण के लिए प्रावधान की दर 5% हो तो देनदारों पर छूट की राशि होगी ऑन 31 मार्च 2019, कोई भी ईयर दे रखा हो सकता है आपने, टोटल डेटर्स आर ₹25,000 एंड बैड डेब्ट आर ₹1,000, सो इफ रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 2% एंड रेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज 5%, देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स विल बी। तो यहाँ पर आपको निकालनी है कि देनदारों को छूट की राशि क्या होगी, क्या बताया है कि 25,000 के देनदार थे, 25,000 के डेटर्स थे, और अप्राप्य यानी कि बैड डेब्ट था 1,000 का, और जो हम डिस्काउंट दे रहे थे डेटर्स को वो 2% का है, और जो अप्राप्य ऋण के लिए यानी जो प्रोविजन हम कर रहे हैं बैड डेब्ट के लिए वो कितने का हो जाएगा, वो होगा हमारा 5% का। तो अब हमें टोटल ये निकालना है कि जो डेटर्स है उसको जो डिस्काउंट की राशि दी जाएगी वो कितनी होगी, ये हमें सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम सबसे पहले हमारे डेटर्स का अमाउंट है उसको हम लिख लेंगे। आपको कोई अकाउंट बनाने की आपको नीड नहीं है, डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो डेटर है कितने का दे रखे हैं, 25,000 के एज इट इज लिख लीजिए। उसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारा बैड डेप्ट है, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा था जो बैड डेप्ट होते हैं उसको हम डेटर्स में से लेस कर देते हैं। अब हम उसको लेस कर देंगे तो 25,000 में से 1,000 लेस करेंगे, कितना आएगा, 24,000 आ जाएगा। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि जो हमें डिस्काउंट निकालना है वो सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद जो हम प्रावधान कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं बैड एंड डाउटफुल डेब्ट के लिए, अब हम उसको लेस करेंगे। उसको लेस करने के लिए क्या करेंगे, आपको जो अपने अमाउंट बैड डेब्ट को लेस करके निकाला था 24,000 का, उस पर हम 5% निकालेंगे। कितना आएगा हमारा, 1200 का आएगा, 1200 का आएगा। अब इसको हम लेस कर देंगे, लेस करने पर कितना आएगा हमारा, 22,800, 22,800 का अमाउंट आएगा। इस 22,800 पर हम क्या करेंगे, जो हमारी दे रखी है डिस्काउंट के लिए कितने परसेंट का, 2% का, वो हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालेंगे 2%। 22,800 का 2% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 456। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारी जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो। बहुत इजी है, बस ध्यान में रखना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहले हमको जो डेटर्स का अमाउंट है उसमें बैड डेट लेस करना है, उसके बाद हमें प्रोविजन का अमाउंट लेस करना है, उसके बाद हम जो निकालेंगे जो हमारा डिस्काउंट होगा उसको। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछता कि लास्ट में हम जो बैलेंस शीट में उसमें कितना अमाउंट दिखाएंगे, तो जो अभी आपने डिस्काउंट निकाला है इसको भी हम लेस कर देते हैं। ये जो हमारा 456 निकल के आया है, 456 निकल के आया है, उसको भी हम जो 22,800 का अमाउंट है उससे लेस कर देते। उसके बाद जो अमाउंट हमारा आता उसी अमाउंट को, उसी डेटर्स के अमाउंट को हम दिखाते जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो अभी आपने पढ़ा जितना भी, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उस सबकी समरी था ये। तो आपको आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अगर दोबारा का लिस्ट आएगा तो आप इसे कैसे लगाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, एक लाइक करिएगा और फ्रेंड्स का वीडियो को शेयर करिएगा। और इसी तरह आगे इसके जो पॉइंट्स आगे के दे रखे हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ भी आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।